नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर पलासिया थाना पुलिस ने एक टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी के संचालक को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपित मॉल्स में आने वाले ग्राहकों से फॉर्म भरवाकर निजी जानकारी हासिल कर लेता था। उन्हें सस्ते हॉलीडे टूर पैकेजेस का झांसा देकर धोखाधड़ी करता था। आईफा अवार्ड समारोह के पास देने का लालच भी दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपित का नाम जिग्नेश, पिता विजय कुमार जायसवाल निवासी पुणे है। उसके खिलाफ कर्मचारी यश भोसले, चंचल वर्मा व अन्य ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। कर्मचारी ने बताया कि जिग्नेश के पलासिया चौराहा स्थित शेखर सेंट्रल में इंग्रिटी कॉप सर्विस के नाम से टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी है। वह ऑफिस से कॉल सेंटर भी संचालित करता है। यहां काम करने वाले युवक युवतियों को फॉर्म लेकर मॉल्स में भेजता और ग्राहकों की निजी जानकारी भरवा लेता था। फिर कर्मचारियों से कॉल करवा कर उन्हें सस्ते पैकेज, जिम मेंबरशिप, हॉलीडे पैकेजेस का झांसा देकर रुपए जमा करवा लेता था। जानकारी के मुताबिक उसने अपने कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दिया। बुधवार को कर्मचारी रुपए मांगने पहुंचे तो जिग्नेश सामान पैक करता मिला। कर्मचारियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में उसने लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की बात कबूल की। डीआईजी रुचिवर्धन मिश्र को सूचना की और आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इस एजेंसी का मुख्यालय पुणे में है। अभी की खबरें फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।